कंस्ट्रक्शन बेस साइट है जडमोहर टनल की, जहां पर कल देर शाम ये आतंकी हमला हुआ। 6 मजदूरों की इसमें हत्या की गई है। एक डॉक्टर जो कि इसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ काम कर रहे थे, उसकी भी हत्या की गई है। कुल मिलाकर 7 लोगों की जान इस आतंकी घटना में चली गई है। आप हमारे बेगुनाहों को मार डाले, फिर कहें बातचीत करो, कैसे बातचीत हो? पाकिस्तान के हुक्मरानों से कहना चाहता हूँ, कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। आतंकवादियों को जो हथियार देने का ये जो सिलसिला है, ट्रेनिंग देने का सिलसिला है, ये सब पाकिस्तान करता है, हमको पता है। और हम मुंह तोड़ जवाब इतना जबरदस्त देंगे कि पाकिस्तान अपना सिर नहीं उठा पाएगा। निहत्थे और बेकसूर कारीगरों को, मजदूरों को निशाना बनाकर कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मानवता का कत्ल किया है, जिसकी भारी कीमत इन आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। 20 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हमले में बडगाम के डॉक्टर शाहनवाज मीर और पंजाब और बिहार के 6 मजदूरों की जान चली गई, यानी कुल 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा के संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। द रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से एक पोस्टर रविवार को हुए कश्मीर आतंकी हमले के बाद जारी किया गया। इस पोस्टर में ये संगठन हमले की जिम्मेदारी ले रहा है। TRF लश्कर ए तैयबा की ही एक शाखा है। ये संगठन पाकिस्तान की जमीन से चलने वाली लश्कर ए तैयबा का एक धड़ा है। TRF ने पिछले कुछ सालों के दौरान कश्मीर में कई जघन्य आतंकी वारदातों की जिम्मेदारी ली है। 2023 की शुरुआत में केंद्र सरकार ने UAPA के तहत द रेजिस्टेंस फ्रंट को प्रतिबंधित आतंकी संगठन घोषित किया था। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक साल 2022 में घाटी में मारे गए आतंकियों में से सबसे ज्यादा 108 TRF या लश्कर के थे। उसके बाद जैश के 35 आतंकी मारे गए। इसके अलावा आतंकवाद की राह पकड़ने वाले 100 लोगों में से 74 TRF में शामिल हुए। TRF ने हाल ही में घाटी में कई कश्मीरी पंडितों की हत्या की जिम्मेदारी ली। गांदरबल हमले के बाद सेना TRF के एक एक आतंकी को चुन चुन कर जहन्नुम पहुंचाने में जुट गई। नई सरकार का गठन होते ही आतंकवादियों ने दिखा दिया कि हमारा एजेंडा तो बिल्कुल क्लियर और साफ है कि हमको अलग कश्मीर चाहिए और आतंकवाद का हमें खेल मचाना ही मचाना है और कश्मीर का खून बहाना है। ये जो एक लश्कर ए तैयबा का एक टेररिस्ट फ्रंट है, सो कॉल्ड TRF नाम का, इन्होंने ये क्लेम किया है कि हमने ये आतंकवादी हमला किया है गंदेरबल में, जो सोनारमार्ग से जो जेड टर्निंग के पास एक टनल बन रहा है और उस टनल में काम करने वाले वर्कर्स के ऊपर जब वो मेस में गए थे रात के 8:30 बजे, तब उनके ऊपर हमला किया गया, अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। अब ये सब करने के पीछे का मकसद क्या हो सकता है? इनका मकसद एक ही है कि आतंकवादियों को बोलना है कि चाहे तुम कितना भी डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करो जम्मू कश्मीर में, ये हम इसे कामयाब नहीं होने देंगे, हम अपने मंसूबों को कामयाब होने देंगे और चाहे तुम कुछ भी करो, इस हमारे हमारा जो उद्देश्य है इसके पीछे हमें कोई रोक नहीं सकता। और ये जो पूरा आतंकवादियों को जो हथियार देने का ये जो सिलसिला है, ट्रेनिंग देने का सिलसिला है, ये सब पाकिस्तान करता है, हमको पता है। तो पाकिस्तान ने अभी अपने दिन पाकिस्तान के कुछ ही बचे हैं, हमारे पेशेंस का इंतजार नहीं करना चाहिए भारत के, और हम मुंह तोड़ जवाब इतना जबरदस्त देंगे कि पाकिस्तान अपना सिर नहीं उठा पाएगा। गांदरबल में आतंकियों की कायराना हरकत को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हुक्मरान से हम कहना चाहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा। देखिए फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को किस तरह तगड़ा धो डाला। देखिए ये बहुत ही दर्दनाक वाकया है। कई गरीब मजदूर जो अपनी कमाई के लिए यहाँ आते हैं और फिर खानदान के लिए भी कुछ पैसा भेजते हैं, उन बेचारों को इन दरिंदों ने कल शहीद कर दिया। उसके साथ साथ हमारे एक डॉक्टर साहब भी थे जो लोगों की खिदमत करते हैं, कल वो भी अपनी जान खो बैठे। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या?
क्या वो समझते हैं इससे यहां पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहां से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला खत्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूं, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए, कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। कब तक आप ये हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे? 47 से आपने शुरू किया, कबाली भेजे, बेगुनाहों को मरवाया, क्या पाकिस्तान बना? जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? अल्लाह के वास्ते अपने मुल्क की तरफ देखिए, उसी तरक्की को कीजिए, और हम लोगों को अपने खुदा के पास छोड़ दीजिए। हम अपनी तकदीर बनाना चाहते हैं, हम इन मुसीबतों से निकलना चाहते हैं, हम यहां की गरीबी को दूर करना चाहते हैं, बेकारी को दूर करना चाहते हैं। इस आतंकवाद से ये नहीं बनेगा। आपको लगता है कि जो कल का अटैक है उसका इम्पैक्ट टूरिज्म भी पड़ सकता है? क्योंकि देखिए वो हम सब पे पड़ेगा, टूरिज्म तो छोड़ दीजिए, हम लोगों पे पड़ेगा, हम गरीबों पे पड़ेगा, हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे अगर यही चलता रहा है? वक्त आ गया कि इनको बंद करना चाहिए ये, नहीं तो जो इसके असरात बाद में होंगे वो बहुत सख्त होंगे, फिर कुछ नहीं रहेगा। तो आपको लगता है कि इंडिया को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए मैं नहीं जानता इंडिया को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, वो तो मरकज खुद जानता है, यह मरकज का मामला है। लेकिन एक सेटबैक है, मगर हम लोगों को सबको मुसीबत है, हम लोग कई सालों से ये देख रहे हैं, 30 साल से तो मैं देख रहा हूं। मैं बार बार उनसे कहता था मत करो ये, इसे कोई आगे नहीं चलेंगे हम। मैं पता नहीं उनकी अकल कैसी है, क्या हो गया उनको। बात चल रही थी कि आपस में बातचीत होनी चाहिए। बातचीत कैसे होगी? आप हमारे बेगुनाहों को मार डालें और फिर कहें बातचीत करो, कैसे बातचीत होगी? पहले मारना तो बंद करो, और बेगुनाहों को मार रहे हो। उधर जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने भी गांदरबल आतंकी हमले पर पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है। रात के अंधेरे में छिपकर कायरों की भांति इन पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने उत्तरी कश्मीर के सोनमर्ग क्षेत्र में जो मजदूर वहां टनल के कार्य में लगे थे उन पर निर्मम गोलीबारी की, और इस गोलीबारी में, इस आतंकी हमले में बहुत सारे मजदूर कारीगर लोग, उनकी जान चली गई। ये बहुत ही दुखद, बहुत ही दिलदोस ये घटना कश्मीर के गांदरबल जिले के गगनगीर क्षेत्र में पेश आया है। पाकिस्तान की ओर से लगातार जम्मू कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली में खलल डालने की जो बार बार कोशिश होती है, हर षड्यंत्र को, हर कोशिश को हमारे सेना, हमारी पुलिस के जवानों ने पहले भी विफल किया है, आगे भी पाकिस्तान की हर साजिश और हर आतंकी घटना को विफल करेंगे। कश्मीर के गांदरबल के सोनमर्ग में निर्दोष मजदूरों की, कारीगरों की जो हत्या पाकिस्तानी आतंकवादियों ने की है, ये मानवता का कत्ल किया गया है, इंसानियत को तार तार किया गया है। निहत्थे और बेकसूर कारीगरों को, मजदूरों को निशाना बनाकर कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मानवता का कत्ल किया है, जिसकी भारी कीमत इन आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। सेना तथा पुलिस ने
पूरे सोनमर्ग क्षेत्र के घने जंगलों में कॉर्डन किया है। रात से ही सर्च ऑपरेशन इस सारे क्षेत्र में शुरू किया गया है। मुझे विश्वास है कि जिन्होंने ये जघन्य अपराध, ये पाप कश्मीर के सोनमर्ग में किया है, उनको जल्द उनके पापों की और गुनाहों की सजा मिलेगी। पाकिस्तान कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली में खलल डालने की जो कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान की हर कोशिश को, आतंकवादियों की हर कोशिश को हमने पहले भी विफल किया है, आगे भी पाकिस्तान की और आतंकवादियों की हर साजिश और कोशिश को हम मिलकर विफल करेंगे। ये पहली बार नहीं है जब टीआरएफ ने इस तरह की आतंकी वारदात को अंजाम दिया है। टीआरएफ पहले भी प्रवासी मजदूरों को इस तरह निशाना बना चुका है। कश्मीर में इस समय टीआरएफ ही सबसे ज्यादा एक्टिव आतंकी संगठन माना जाता है। लश्कर से जुड़े साजिद जट, सज्जाद गुल और सलीम रहमानी इसको लीड कर रहे हैं।